नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कंपैरिजन सैमसंग एक्सिनोस 7904 का विद स्नैपड्रैगन 660 जो कि अपनी कैटेगरी में एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसर है। दोस्तों ये कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च जो है सैमसंग गैलेक्सी M20 उसमें आपको मिलेगा एक्सिनोस 7904 और जो अपकमिंग रेडमी नोट 7 है उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 660। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ एंड कंपैरिजंस। तो दोस्तों जो एक्सिनोस 7904 है ये सैमसंग के द्वारा डेवलप किया गया लेटेस्ट जो एक प्रोसेसर है और इसकी जो टक्कर है वो है स्नैपड्रैगन 660 के साथ, जो कि 2018 में अपर मिड रेंज कैटेगरी का जो एक कह सकते हैं कि बॉस टाइप ऑफ प्रोसेसर था। तो दोस्तों कंपैरिजन शुरू करते हैं इनके आर्किटेक्चर के साथ। तो एक्सिनोस 7904 एक ऑक्टाकोर चिपसेट है जो 14nm की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसमें आपको दो कोर्स मिलेंगे कोटेक्स A73 की जो कि रन करेंगे एट 1.8 GHz और 6 कोर आपको मिलेंगे कोटेक्स A53 के जो कि रन करेंगे एट 1.6 GHz। और वहीं अगर मैं स्नैपड्रैगन 660 की बात करूं तो दोस्तों ये क्रायो 260 आर्किटेक्चर को जो फॉलो करता है। ये भी 14nm की टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है। इसमें 4 कोर आपको मिलेंगे एट 2.2 GHz और 4 कोर आपको मिलेंगी एट 1.8 GHz। तो यहाँ दोस्तों अगर रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली 660 जो एक बेटर प्रोसेसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कैमरा सपोर्ट की। तो एक्सिनोस 7904 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और 16+16 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, और SD 660 जो है दोस्तों वो 25 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है और बजट कैटेगरी में जो है काफ़ी अच्छा एक प्रोसेसर तैयार किया है जो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी आपको दे सकता है। तो दोस्तों अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो एक्सिनोस 7904 फुल HD प्लस स्क्रीन रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है और स्नैपड्रैगन 660 का जो है वो भी फुल HD प्लस को ही सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सिनोस 7904 में आपको मिलेगा माली G71 MP2 एट 1300 MHz पे। तो दोस्तों फॉर रेफरेंस आप PUBG इसमें इजीली बैलेंस्ड मोड में आप खेल सकते हो। और वहीं अगर SD 660 की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 512 GPU जो कि रन करता है एट 850 MHz पे। तो डेफिनेटली दोस्तों जो एड्रीनो 512 मच बेटर एक GPU है और फॉर रेफरेंस आप PUBG को HD मोड में भी खेल सकते हो। तो दोस्तों अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको कैटेगरी 12 का मॉडम मिल जाएगा जिसकी जो डाउनलिंक स्पीड है वो रहेगी 600 Mbps जो कि मैक्स स्पीड है और अपलिंक जो स्पीड है वो मैक्स 150 Mbps की रहेगी। तो दोस्तों जो ब्लूटूथ वर्जन दोनों ही प्रोसेसर में आपको 5.0 मिलेगा। तो दोस्तों अगर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो एक्सिनोस 7904 पावर्ड गैलेक्सी M20 स्कोर कर रहा है 1,07,892 और वहीं रियलमी 2 प्रो जो कि अंडरक्लॉक वर्जन ऑफ स्नैपड्रैगन 660 यूज़ करता है तो वो स्कोर कर रहा है 1,28,430। अगर प्रॉपर फुली वर्जन जो है स्नैपड्रैगन 660 का तो उसका स्कोर अराउंड 1,50,000 है जो कि मच बेटर है और आप देख सकते हैं कि अराउंड 50% बेटर है एक्सिनोस 7904 के साथ अगर कंपेयर करें इसे। तो दोस्तों कंपैरिजन का अगर कंक्लूजन करें तो जो स्नैपड्रैगन 660 है वो अभी एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है और अभी भी वो किंग है अपनी कैटेगरी का, लेकिन नंदरलेस जो एक्सिनोस 7904 है वो भी एक अच्छा चिपसेट है और एक अच्छा टेक है सैमसंग की तरफ से इस जो बजट कैटेगरी है अंडर 15,000 कैटेगरी में एक अच्छा प्रोसेसर सैमसंग ने दिया है। तो दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप क्या सोचते हैं इस कंपैरिजन के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल पे और साथ ही दबाइए बेल बटन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।